तो फाइनली क्रंचरोल वालों ने मई जून के डब एनिमे के लाइनअप्स निकाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं ये एनिमे के लाइनअप्स भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये पीक एनिमे के डब्स के लाइनअप हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप लोग आज की वीडियो में देखने बाद पता चली जाएगा। स्पेशली यहाँ पे हिंदी तमिल तेलुगु तीनों को लेकर अच्छी न्यूज है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रंचरोल इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो मई और जून के महीने में कुछ कमाल के एनिमे के डब्स लाने वाले हैं। और सच कहूं तो ये कोई ऐसे वैसे एनिमे नहीं है, ये अपने पीक एनिमे है। बट चलो यहाँ पे एक एक करके अपने सारे एनिमेस के बारे में बात करें, जिसमें से मैं आप लोग बता दूं कि कुल मिला के 7 एनिमेस के डब्स अनाउंस हुए। और उनमें से सबसे पहला आता है अपना रेडियंट का सीजन 2। हाँ, पहला ये एनिमे आता है जो हिंदी डब में शायद क्रंचरोल पर अवेलेबल है। बट यहाँ पे तमिल और तेलुगु डब फैंस के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि रेडियंट का सीजन 2 अभी तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के साथ स्ट्रीम होगा क्रंचरोल पर 26 जून को। और 26 जून ये आप लोगों को दोपहर के 12 बजे देखने मिलेगा। और सच कहूं तो यहाँ पे क्रंचरोल वालों ने एक चीज अच्छी की है कि यहाँ पे वो जो वीकली एनिमे रिलीज करते थे वो वाली बकवास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियंट सीजन 2 तमिल और तेलुगु डब के साथ यहाँ पे इसके सारे एपिसोड्स को 26 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। जो कि हाँ, 26 जून को ही आप लोगों को इसके सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है अपना मैचले मैजिक एंड मसल्स। और सच कहूं तो ये एनिमे भी हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, बट यहाँ पे सच कहूं तो मैं चाहता था कि इस एनिमे को जस्टिस मिले। और जस्टिस किस बात का, क्योंकि ये एनिमे सिर्फ हिंदी डब के साथ अवेलेबल है और तमिल और तेलुगु डब फैंस के लिए ये एनिमे था ही नहीं, लेकिन अब ये एनिमे आ चुका है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैचले मैजिक एंड मसल्स के सारे एपिसोड्स यहाँ पे तमिल और तेलुगु डब के साथ आज क्रंचीरोल ने स्ट्रीम कर दिया है, जो कि आप लोग चाहो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इसके बाद हम लोग बात करें अब अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना एक हिंदी डब एनिमे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉग होराइजन सीजन 2 के बारे में, जिसकी लीक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी। बट चलो, अब क्रंचीरोल वालों ने यहाँ पे खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि लॉग होराइजन का सीजन 2 भी आप लोगों को अब हिंदी डब के साथ 4 जून को देखने मिलेगा। और इसके एपिसोड सुबह के 9:30 बजे स्ट्रीम किए जाएंगे, जिसमें क्रंचीरोल यहाँ पे फिर से वही वीकली लॉन्च वाली बीमारी यहाँ पर लगा दी है, जो कि चलो क्या ही कर सकते हैं, इस एनिमे को आप लोगों को वीकली देखना होगा। अब वैसे देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने जिन एनिमेस के बारे में बात किया है उनमें से कुछ एनिमेस का सिर्फ तमिल और तेलुगु डब एयर हो रहा है, किसी का सिर्फ हिंदी डब एयर हो रहा है। बट यहाँ पर से मैं जो एनिमेस के नाम लूंगा यहाँ पे आप कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे क्रंचीरोल इंडिया वालों ने कह दिया है कि इन एनिमेस को जस्टिस मिलेगा, वो भी सारे लैंग्वेज में। और मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी एनिमेस आएंगे वो हिंदी तमिल और तेलुगु तीनों लैंग्वेज के साथ स्ट्रीम होंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी के सीजन 1 के बारे में, जो कि यहाँ पे हिंदी तमिल और तेलुगु डब के साथ 19 जून को स्ट्रीम होगी क्रंचीरोल पर। और इसकी टाइमिंग वगैरह बारे बात करें तो ये रात के 11:30 बजे स्ट्रीम होगा। और इसके अलावा सबसे अच्छी न्यूज ये है कि क्रंचीरोल यहाँ पे वीकली इसको एयर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने कह दिया है कि सीजन 1 के सारे एपिसोड्स एक साथ ही स्ट्रीम किए जाएंगे, और वो भी तीनों लैंग्वेज में, जो कि अच्छी बात है। जो भी बिंज वॉच करना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये काफी अच्छी न्यूज है। बट इसके अलावा अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी हमारे और भी एनिमेस बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जो एनिमेस के नाम लूंगा वो एनिमे नहीं अपने पीक एनिमे है। और यहाँ पे मैं एक एक करके उन एनिमेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला आता है अपना स्पोर्ट्स एनिमे ब्लू लॉक। तो हाँ, ब्लू लॉक एनिमे का नाम कितना ज्यादा है इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका नाम बहुत ज्यादा है। और इसीलिए अगर आप लोग ब्लू लॉक एनिमे देखने का प्लान बना रहे थे तो मैं बता दूं कि क्रंचीरोल वालों ने कह दिया है कि अब आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में भी देख सकते हो, क्योंकि ब्लू लॉक का एनिमे अब आप लोगों को हिंदी तमिल और तेलुगु डब के साथ 12 जून को देखने मिलेगा, जहां पे इसके सारे के सारे एपिसोड सुबह के 10:30 बजे स्ट्रीम किए जाएंगे क्रंचीरोल पर, जो कि एक्चुअली में अपने बिंज वॉचर्स के लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और स्पोर्ट्स एनिमे के बारे में, जो अपने ब्लू लॉक से बेटर है, और मैं बात कर रहा हूँ अपने हाइकू एनिमे के बारे में। और हाँ, ये स्पोर्ट्स एनिमे काफी सारे लोगों का फेवरेट भी होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने इस कमाल के स्पोर्ट्स एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि क्रंचीरोल वाले इसका सीजन 1 अब हिंदी तमिल और तेलुगु डब के साथ 6 जून को स्ट्रीम करेंगे। और जहां तक हाइकू के सीजन 1 के एपिसोड्स बारे में बात करें तो इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेकर 12 आप लोगों को सुबह 9:30 बजे एक साथ देखने मिल जाएंगे, जो कि देखा जाए तो सीजन 1 के अंदर कुल मिला के 25 एपिसोड्स है, बट यहाँ पे सिर्फ 12 एपिसोड्स को भी स्ट्रीम किया जाएगा, जो कि चलो हो सकता है क्रंचीरोल वाले इसको आगे जाके ऐड करे। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो सबसे कमाल का एनिमे है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्टोन के बारे में, क्योंकि जितने भी एनिमे फैंस यहाँ पे डॉक्टर स्टोन का इंतजार कर रहे थे तो मैं आप लोग बता दूं कि डॉक्टर स्टोन का सीजन 1 अब हिंदी तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल पर स्ट्रीम होगा। और यहाँ पे क्रंचीरोल ने इस सीजन 1 को एयर करने के लिए कुछ अलग तरीके की प्लानिंग की है, जैसे 29 मई को क्रंचीरोल वाले इसके एपिसोड 1 से लेकर 12 जो है वो एक साथ सुबह के 10:30 बजे स्ट्रीम करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। और इसके साथ में सीजन 1 के जो बचे हुए एपिसोड्स हैं जिनको आप लोग कोर 2 की तरह भी लेके चल सकते हो, तो जो डॉक्टर स्टोन सीजन 1 का कोर 2 के 13 से लेकर 24 एपिसोड्स होंगे, मतलब कह सकते हो कि और 12 जो इसके एपिसोड्स बचे हुए थे वो यहाँ पे 26 जून को सुबह के 10:30 बजे क्रंचीरोल पर स्ट्रीम कर दिए जाएंगे, वो भी तीनों लैंग्वेज में, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी बिंज वॉच करना पसंद करते हैं वो लोग एक साथ काफी सारे एपिसोड्स को अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं, जो कि सच कहूँ तो अभी इस वीडियो के बाद यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे एनिमे फैंस का तो मूड अच्छा हो गया होगा, बट अभी भी बहुत सारे
सारे लोग हैं जिनका मूड अच्छा नहीं होता है, उन्हें और भी चाहिए होता है। जैसे वो लोग पूछेंगे कि डॉक्टर स्टोन की आगे के सीजन हिंदी डब में आएंगे कि नहीं, या फिर पूछेंगे कि हाइकू के आगे के एपिसोड हिंदी डब में आएंगे कि नहीं। तो देखो, पहली बात, यहाँ पे जितने एनिमेस अभी आ रहे हैं उनको आप लोग पहले सपोर्ट करो, और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो क्रंचीरोल वाले इसके आगे के एपिसोड भी डब करके ले आएंगे। इसलिए लालच करना बंद करो, यहाँ पे जितने एनिमेस पहले आ रहे हैं आप लोग उनको सपोर्ट करो, और जब क्रंचीरोल देखेंगे कि हाँ मुझे इस एनिमे से सपोर्ट मिल रहा है तब वो लोग इसके आगे के एपिसोड भी डब जरूर करेंगे। इसलिए मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे क्रंचीरोल ने जो इतना कमाल का काम किया है उसके लिए आप लोग क्रंचीरोल को सपोर्ट करो। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादातर एनिमेस के जो मैंने आप लोगों नाम बताया जो अब डब में आने वाले क्रंचीरोल पर, तो आप लोग याद होना चाहिए कि इसकी लीक्स मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले बता रखी थी, और मैंने आप लोग बता दिया था ब्लू लॉक, डॉक्टर स्टोन, हाइकू एक्सेट्रा एक्सेट्रा के एनिमेस के डब्स आने वाले थे क्रंचीरोल पर, और अब देख लो वो सारी लीक सच हो चुकी है। तो यहाँ पे लीक सच हो गई तो इसका क्या मतलब? क्या मैं कहूंगा कि आप लोग मुझे एक्नॉलेज करो, एक्नॉलेज टू सैम बॉय? अरे सच कहूं तो यार ये सब बहुत ज्यादा फालतू लगता है, ये एक्नॉलेज वाली चीज मुझे बहुत बचकानी लगती है। इसलिए लीक्स प्रिडिक्शन जो भी सच हो, लेकिन मैं कभी भी आप लोग ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मुझे एक्नॉलेज करो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कोई स्पेशल इंसान तो हूँ नहीं जिसको आप लोग एक्नॉलेज करोगे। इसलिए यहाँ पे आप लोग को एक्नॉलेज करना ही है तो आप लोग क्रंचीरोल करो, और इसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा काम कर रहा है आप लोग उसको एक्नॉलेज करो, और इसके अलावा अगर लीक सच होती है तो यहाँ पे आपका मेरे ऊपर ही ट्रस्ट बढ़ेगा। अब वैसे सच कहूं तो आप, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं चाहता हूं कि आप, मैं जितनी भी एनिमे अपडेट्स देता हूं यानी मेरे जो सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर आप लोग ज्यादा ज्यादा ट्रस्ट करो। और यहाँ पे मैंने आज जितनी भी एनिमेस की हिंदी डब की लीक्स आप लोगों को बहुत टाइम पहले बताई थी उनका क्रेडिट यहाँ पे जाता है हमारे इंस्टाग्राम के कुछ सोर्सेज को, जिन्होंने यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत करके हमारे लिए ये सारी लीक्स निकाली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि ये लोग फ्यूचर में और भी कमाल की लीक्स ला के देंगे। इसलिए हमारे सोर्सेज ने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि इन्हें आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके भी सपोर्ट करो। और इसके अलावा मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे डेमन स्लेयर के डब्स की रिलीज डेट क्यों नहीं बताई गई। तो देखो यहाँ पे डेमन स्लेयर का हिंदी डब क्रंचीरोल वालों ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, इसलिए यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई है। बट आप लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डेमन स्लेयर की हिंदी डब को लेकर जो भी जानना है वो सब मैंने आप लोग बताया है। इसलिए अगर आप लोग डेमन स्लेयर फैन हो और अगर आप लोगों को डेमन स्लेयर की हिंदी, तमिल, तेलुगु डब के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप लोग जाके जरूर देखना। साथ में सच कहूं तो यहाँ पे क्रंचीरोल ने आज जितनी भी एनिमेस अनाउंस की हमारे लिए, बट एक फन फैक्ट बताओ तो यहाँ पे क्रंचीरोल वाले एक्चुअली में और भी एनिमेस डब में लाएंगे, और वो कौन से एनिमेस हो सकते हैं वो तो एक सरप्राइज है हमारे लिए। बट इतना जरूर कहूंगा कि क्रंचीरोल ने यहाँ पे एनिमे फैंस का समर वेकेशन तो सेट कर दिया है, और इसीलिए यहाँ पे क्रंचीरोल वाले फ्यूचर में भी और भी बहुत सारे कमाल के एनिमेस के डब लाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो हम लोगों को क्रंचीरोल को कुक करने देना चाहिए, वो लोग हमारे समर वेकेशन को बहुत अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इतना आप लोग ट्रस्ट रखो। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी इस न्यूज के बारे में पता चले। और साथ ही में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और इसके अपडेट्स अच्छे लगे हैं तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए। और इसके अलावा मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।